मुझे यह सोचना है कि यह जो मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ वह यीशु के लिए कर रहा हूँ। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम यूहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से आगे पढ़ते हैं तो पवित्र वचन हमें कहता है कि यीशु शब्द के रूप में सर्वोच्च ईश्वर के साथ में सर्वोच्च ईश्वर के साथ उसकी महिमा में विराजमान था। लेकिन जब यही शब्द हम मनुष्यों के रूप में देह धारण कर माता मरियम से जन्म लेकर हमारे बीच में इस संसार में आए तो हमें एक विशेष पाठ पढ़ाया, सेवा का पाठ पढ़ाया। जब प्रभु यीशु ने तिरस्कृत कोढ़ियों को देखा, बीमारियों को देखा, तो उन्होंने चंगाई प्रदान की। जब प्रभु यीशु यह देखा कि किसी व्यक्ति के साथ समाज में अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय प्रदान करते हुए लोगों को अपना सेवा करने का नमूना प्रकट किया। और यही प्रभु यीशु जब अंतिम ब्यालु के समय अपने शिष्यों के साथ एकत्र थे तो इस सेवा भावना का सर्वोच्च उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं और उनके पैर धो करके उनके पैरों को पोंछकर चूमते हैं और शिष्यों से कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। और प्रभु यीशु एक नई आज्ञा देते हैं सेवा और प्रेम का। इसीलिए हम मनुष्य यीशु के अनुयायी होते हुए जब हम अपने आप को विनम्र करते हुए एक दूसरे की सेवा करते हैं तो हमारा यह जो विनम्रता है वह हमारा जो व्यक्तित्व है उसका ट्रेडमार्क बन जाता है, हमारे व्यक्तित्व का चिन्ह बन जाता है। इसलिए प्रभु यीशु हमें अपने आप को विनम्र करके एक दूसरे की सेवा करने के लिए कहते हैं और हमारा जो सेवा कार्य है वह यीशु पर आधारित होना चाहिए। कैसे यीशु पर आधारित होना चाहिए? जब मैं एक दूसरे की सेवा करता हूँ मेरे जीवन में तो मेरा सेवा कार्य में मुझे यह सोचना है कि यह जो मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ वह यीशु के लिए कर रहा हूँ। और जब मैं सेवा कार्य करते हुए मैं विफल हो जाता हूँ, मेरे जीवन में दुख आ जाती हैं, कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तो भी मैं प्रसन्न रहता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को विनम्र करते हुए यीशु के लिए सेवा कार्य कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी ओर यदि मैं जो सेवा कार्य कर रहा हूँ स्वयं पर निर्धारित करते हुए, तो जब मैं एक दूसरे की सहायता करते हुए जब मैं सेवा कर रहा हूँ विफलता को प्राप्त करूँगा तो मैं हताश और उदास हो जाऊँगा और मेरी इस हताश और उदासी के कारण मेरे सेवा कार्य में मुझे जो विनम्र होकर सेवा कार्य करना रहता है वह मैं अपने आप को विनम्र ना करके मैं यूँ ही अपना जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए मैं सेवा कार्य करने लगता हूँ। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यदि हमें एक दूसरे की सेवा कार्य करना है प्रभु के आज्ञा के अनुसार तो हमें सर्वप्रथम अपने आप को विनम्र बनाना है और उस विनम्रता के साथ ही एक दूसरे की सेवा कार्य करना है।